इंडिया का एक ऐसा मनहूस रेलवे स्टेशन जहां पर उतरना तो क्या, कहा जाता है कि उस रेलवे स्टेशन का किसी से प्रॉपरली जिक्र भी कर लो ना तो वहां की भटकती हुई आत्माएं रेलवे स्टेशन छोड़कर आपकी जिंदगी में आ जाती है और सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। मैं वेस्ट बंगाल के बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ये बहुत कॉमन हो गया, सब इसके बारे में बात करते हैं। मैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी आज आपके सामने लेकर आ गया हूँ जिसका नाम बहुत ही रेयर लोगों ने सुने होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि लोगों का ये मानना है कि इसके बारे में जिक्र भी करो तो वहाँ की भटकती हुई आत्माओं के कान आपके लिए खड़े हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो आ जाते हैं। लेकिन मेरा फ़र्ज बनता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों तक लेकर आऊँ, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी कहानी के ज़रिए सतर्क करता हूँ, सीख देता हूँ। अब ज्यादा टाइम पास किए बिना आज से कुछ साल पहले ले चलता हूं आपको इसी रेलवे स्टेशन के आसपास और बताता हूं पूरी ऐसी कहानी की सुनकर दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत साल पहले की बात है जब बहुत कम ट्रेन चला करती थी इंडिया में, बहुत कम, दिन भर में एक हाथ दो बस चल गई। किसी छोटे गांव की बात कर रहा हूं मैं, बड़े शहरों में तो चलती थी लेकिन छोटे गांव में। इस गांव का नाम था नीमगंज। नीमगंज में उस समय केवल एक ही ट्रेन रुकती थी, वो ट्रेन वहां पर रात के 10-10:30 बजे के आसपास पहुंचती थी। कई बार लेट हो जाए तो 1 भी बज रहे हैं 2 भी बज रहे हैं, डिपेंड करता था उसके टाइम के ऊपर। नीमगंज उतरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती थी। कारण यह था कि लोग कहते थे कि इस रेलवे स्टेशन में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माएं भटकती हैं। लोग कहते थे कि अंग्रेजों के जमाने में एक बार इस रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई थी, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी सभी के सभी लोगों की आत्मा उस रेलवे स्टेशन में कैद होकर रह गई, फिर उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाई। वो आत्माएं अब प्रेत आत्माओं में तब्दील हो चुकी है और आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है, कई बार सताती भी है तो कई बार बहुत खतरनाक तरीके से हार्म भी कर देती है। इसलिए उस रेलवे स्टेशन में बहुत कम लोग उतरते थे। उतरने का कारण ये था कि नीमगंज से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल में एक पहाड़ के ऊपर एक माता रानी का मंदिर मौजूद था। वो माता बहुत सारे लोगों की कुलदेवी थी। अब कुलदेवी के दर्शन करने के लिए जाना है तो इस रेलवे स्टेशन में उतरना लोगों की मजबूरी थी। लेकिन एक और अजीब सी बात थी इस रेलवे स्टेशन में, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर ट्रेन रात में 10-10:30 बजे आती थी, ये नॉर्मल टाइम था, लेट होने वाला तो सिस्टम अलग ही था भाई, यानी एवरेज पकड़ लो 12-12:30 बजे रात में ट्रेन यहाँ पर पहुँचती थी। और जो भी यहाँ पर पहुँचे तो इतनी रात गए, घने जंगल वाले पहाड़ वाले मंदिर में कैसे चले जाएगा, उसे पूरी रात उस रेलवे स्टेशन में बितानी ही पड़ती थी। फिर सुबह सुबह यही कोई 4:30-5 बजे के आसपास इस रेलवे स्टेशन से थोड़ी आगे वॉकिंग डिस्टेंस पर एक बस मिलती थी जो लोगों को, सवारियों को उस मंदिर तक लेकर जाती थी। ठीक है भाई, वो बस भी केवल पूरे दिन भर में एक ही बार चल रही है, सुबह 4:30-5 बजे के आसपास। इस गांव में पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही बार ट्रेन आ रही है रात के 12 बजे के आसपास। तो कोई भी इंसान करे तो क्या करे, समझ लो आपको ही अगर नीमगंज में उस मंदिर में जाना है तो क्या करोगे, आप ट्रेन पकड़ोगे, रात में 12-12:30 बजे ट्रेन से उतरोगे नीमगंज रेलवे स्टेशन में, फिर सुबह तक का यानी 5 बजे तक का इंतजार करोगे, फिर वो बस आएगी और बस में सवार होके मंदिर तक पहुंचोगे, क्योंकि कोई ऑप्शन इसके अलावा था ही नहीं, पैदल इतनी दूर नहीं जाया जा सकता था, चले भी जाते तो इतनी रात में मंदिर में पहुंच के करते क्या, मंदिर के पट बंद रहेंगे ना, देवी माता भी तो विश्राम करेगी, उनका भी तो समय होता है। तो ऐसा था कि इस गांव के लगभग समझ लो ना आप क्या 400 किलोमीटर की दूरी पर, 400 किलोमीटर की दूरी पर पुणे नाम का शहर, वहाँ पर लीला नाम की एक महिला रहती थी। कहानी में हम थोड़ा ऐसे फ्लो में बढ़ रहे हैं, पहले मैंने आपको बैकग्राउंड समझा, अब कैरेक्टर समझा रहा हूँ। पुणे में लीला नाम की एक महिला रहती थी, उम्र रही होगी, महिला क्यों गलत बोल रहा हूँ, 21-22 साल की उम्र रही होगी, लड़की रहती थी 21-22 साल की लीला। लीला का विवाह होता है कमल नाम के लड़के से, ठीक है, ये दोनों की अरेंज मैरिज थी। लीला जब विवाह करके कमल के घर पर पहुंचती है तो कमल लीला को बताते हैं कि हमारे घर पर एक रिवाज है और रिवाज ये है कि शादी के तुरंत बाद हमारी कुल देवी है नीमगंज नाम के गांव में, उनका दर्शन करने जाने को होता है,
उनका दर्शन करेंगे तभी हम अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर पाएंगे ठीक तरीके से, वरना कहा जाता है कि देवी माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो लीला ने बोली, ठीक है भाई, मंदिर जाना इसमें गलत क्या है। लीला को नीमगंज रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही इस गांव के बारे में। मंदिर तो गांव से थोड़ा आउटर इलाके में था, मैंने बोला ना मंदिर जंगल में था। ये पूरा का पूरा गांव उस रेलवे स्टेशन की वजह से हॉन्टेड बन चुका है, और जिनको मालूम है उन्हीं को मालूम है इस गांव के बारे में, इस रेलवे स्टेशन के बारे में। उन्हीं लोगों को मालूम है जिनकी कुल देवी वहां पर विराजमान है, बाहर के लोगों को पता नहीं, क्योंकि कोई इस गांव के बारे में किसी से कभी डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है ना कि डिस्कस करो तो वहां की भटकती हुई आत्माओं के कान खड़े हो जाते हैं आपके लिए। अभी हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, मैं तो माता रानी का नाम लेके ही ये कहानी सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि कभी आपका सामना हो नीमगंज से तो रेडी रहना कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, भगवान की सहायता लेना, ईश्वरीय शक्ति की सहायता लेना। हाँ, तो ऐसा था कि लीला को कुछ पता नहीं था। लीला बोलती है, अच्छी बात है, मंदिर क्यों नहीं जाएंगे, माता रानी का आशीर्वाद लेंगे तभी हम अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करेंगे, चलो ट्रेन की बुकिंग करो। और कमल भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताते हैं, लिटरली कुछ भी नहीं। अब आखिरकार वो वाली डेट आ गई जब इनको ट्रेन में सवार होना और नीमगंज पहुंचना है। नॉर्मली ये ट्रेन में सवार हुए हैं और ट्रेन इतना लेट कर दी कि 12:30 बजे तो गया, ट्रेन का टाइम था 10:30 का, नॉर्मली पहुंच जाती थी 12:30 बजे तक। ये ट्रेन पहुंची आज 1:30-2 बजे के आसपास नीमगंज रेलवे स्टेशन। ट्रेन जैसी रुकी है तो पूरी ट्रेन में से कोई भी नहीं उतरा, सिर्फ कमल और लीला ही उतरे, पुणे से आए हुए थे, उतरे। जैसे ही उतरे, हरी झंडी वगैरह हुई, 2 मिनट बाद वहां से ट्रेन निकली, तो फटाफट स्टेशन मास्टर अपने कमरे का ताला मार रहे और निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो लीला स्टेशन मास्टर को देखकर बोलती है कि सर आप जा क्यों रहे हैं इतनी जल्दी, मतलब ट्रेन तो यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं आएगी इसके अलावा, और आप लोग खड़े खड़े बात क्यों कर रहे हैं, चलिए चलिए जल्दी निकलिए, यहाँ पे खड़े मत रहिए। लीला बोलती है, सर हम कैसे जाएंगे, मतलब हमारी बस, हम कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं, बस सुबह आएगी तो हमने सोचा कि रात भर स्टेशन में रुक जाए। अरे कैसी बात कर रही हैं मैडम आप, चलिए चलिए जल्दी निकलिए। वो खड़ी है, शॉक्ड है, अभी ये भी घबराया हुआ है, कमल भी घबराया हुआ है कि वो लीला के सामने कुछ बोले तो क्या बोले, अरे करे तो क्या करे। कमल भी कोई बहुत उम्र का लड़का नहीं था, कमल की भी उस समय उम्र 23-24 साल की रही होगी, और 23-24 साल के लड़के भी कई बार चीज़ों को ऐसी इजीली हैंडल नहीं कर पाते हैं। कमल ने भी पहली बार ही शादी किया था, पहली बार भी उसकी पत्नी आई थी, और वो पहली बार ऐसी सिचुएशन का सामना करना था, उसको ही हैंडल करना था सब कुछ, अब तक तो मम्मी पापा करते थे ना घर पे सब, ऐसी वाली बात हुई भाई। स्टेशन मास्टर फटाफट फटाफट बोला, ताला मार के निकल गया। अब कमल बोलता है कि चलो लीला हम भी जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते। लीला बोलते, अरे कहाँ निकलते हैं, छोटा सा गाँव है हमारा, पुणे थोड़ी है, छोटे से गाँव में हम स्टेशन से बाहर कहाँ जाएंगे। मैंने सोची हुई थी, बोल नहीं पाई थी वो बात अलग है, लेकिन मैंने सोची हुई थी स्टेशन में उतरेंगे और यहीं पर आराम करेंगे, जाकर क्या फ़ायदा, स्टेशन बहुत सेफ है, भले ही पूरे स्टेशन में भी कोई भी नहीं है, ना कोई गार्ड, ना कोई टिकट कलेक्टर, ना कोई पुलिस वाला, और अब ना ही स्टेशन मास्टर, लेकिन ठीक है हम सुरक्षित हैं, बाहर पता नहीं कैसे लोग मिल सकते हैं, क्या हो सकता है, कोई डाकू वाकू भी आ सकता है, चोर उचक के गुंडे, कुछ भी हो सकता है, कहाँ जाएंगे बाहर, कोई होटल वोटल तो मिलेगा नहीं ना इतने छोटे गांव में। ये बोलते हैं, हाँ होटल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो स्टेशन है वो गांव वाले इलाके से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है, सीधे सीधे जाओ तो आउटर से ही इलाका है ये, फिर और गांव क्रॉस करो तो फिर हमारा मंदिर पड़ता है, हमें स्टेशन में ही माता रानी का नाम लेकर रुक जाना चाहिए। ये बोलती है, माता रानी का नाम लेकर, मतलब ठीक है ना यार, स्टेशन है, बहुत लोग रुकते हैं पुणे में, देखे नहीं तुमने, भीड़ लगी रहती है रात के स्टेशन में, अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है यहाँ पे कोई नहीं, अपन दोनों कुछ नहीं होगा। ये बोलता है, नहीं मैं तुम्हें बता नहीं पाया था, ये जैसे कुछ बोलने वाला था किससे पहले झाड़ू लगाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, झाड़ू लगाने की आवाज़, लिटरली जैसे वो वाली झाड़ू नहीं होती कि यार मैं कैसे बताऊँ, वो स्टिक वाली झाड़ू जो होती है, जिसके वो जो डंडी रहती है झाड़ू की, वो एकदम कड़क कड़क रहती है स्टिक वाली, जिसमें रोड में झाड़ू लगती है, जिससे वो घर पे लगने वाली झाड़ू नहीं, वो रोड में लगने वाली जो छर 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 ऐसे आवाज़ करती है, समझ गया आप लोग है ना, तो वो वाली आवाज़ अचानक से आने लगी। तो बोलता बोलता कमल रुक गया और उसके पसीने छूट गए, ठंड का टाइम था नवंबर का, लेकिन पसीने छूट गए। कमल देखने लगा, जहाँ पर समझ लीजिए कमल खड़ा है, ये कमल है,
ये उसकी पत्नी है लीला। लीला के पीछे तरफ देखने लगा, जैसे कमल को कुछ दिखाई दे दिया है। लीला भी अब कमल के नज़रों को फॉलो करते हुए पीछे देखी तो क्या पाई, एक औरत न जाने कहाँ से आ गई। अब तक वो पूरा स्टेशन खाली था, लेकिन अभी झाड़ू लगाते हुए पीछे दिखाई दे रही है। एक टिमटिमाती हुई लाइट लगी हुई थी थोड़ी आगे, दूसरी लाइट इधर, बाकी पूरा अंधेरा था रेलवे स्टेशन, तो लाइट के पास ही झाड़ू लगा रही थी। इसने सोची, अच्छा हुआ इस औरत से ही जाके पूछती हूँ, शायद सहायता मिल जाए, ये हमको बता दे कि तुम यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ ठहर जाओ। मेरे पति देव तो कुछ बोल नहीं पड़े। और लीला थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड थी, कई बार पति पत्नी के आप कपल को देखना, कई बार पति बहुत फास्ट फॉरवर्ड होते हैं तो कई बार पत्नियाँ बहुत फास्ट फॉरवर्ड होती है, दोनों में से एक कई बार डाउन होता है तो दोनों कई बार बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। तो इस मामले में कमल थोड़ा सा सीधा था और हर एक चीज़ आके बढ़ बढ़ के लीला करती थी। तो लीला उस औरत के पास बढ़ गई, औरत झाड़ू लगाने में लगी है। अरे सुनिए, वो झाड़ू लगाने में लगी है, सुनिए तो दीदी मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, झाड़ू लगाने में लगी हुई। बोली, अजीब औरत है यार, सुन नहीं रही है। लीला गई और सीधे उसे कंधे को पकड़ के उसको अपने तरफ घुमा दी, और जैसी उसका चेहरा देखी लीला का दिमाग फट गया। इतनी जोर से हार्टबीट ढक 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 हुआ ना, उसने देखी उसका चेहरा जो है ना वो पूरा खोखला है, मतलब यहाँ पे आंखें नहीं है, मुंह नहीं है, नाक नहीं है, कुछ नहीं, और यहाँ पे पूरा खोखला है, और यहाँ से ना टप धीरे धीरे एकदम गाढ़ा गाढ़ा करके अंदर का मसाला टपक रहा है सब धीरे धीरे। अरे बाप रे, बहुत स्कैरी मुंह, उसका मुंह था ही नहीं, और अंदर का जो समझ लो ना, ये पूरा मुंह अगर ऐसा निकल जाए तो अंदर क्या दिखेगा, वो दिख रहा था, बहुत डरावना दिख रहा था। बाप रे, ये पूरी सक पका के रह गई। और इतने में वो एक कदम, वो जो औरत थी वो एक कदम इसकी तरफ बढ़ाई है कि चिल्लाता हुआ कमल आया है और अपनी पत्नी को पकड़ा, लीला को पकड़ा, और लीला को खींच कर दौड़ा कर ले गया भाई बाहर, दौड़ा कर। अब जैसे ये लोग बाहर पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, विश्वास नहीं मानोगे, रेलवे स्टेशन के बाहर ना कम से कम 8 से 10 आदमी खड़े हुए थे। वो 8 से 10 आदमी पूरे के पूरे ऐसे विचित्र दिखाई दे रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, किसी का पैर नहीं है वो हवा में खड़ा हुआ है, कोई अपना सर पकड़ के खड़ा हुआ है, किसी का एक हाथ नहीं है वो दूसरे हाथ में उस हाथ को पकड़ के खड़ा हुआ है, और एक पेड़ था बरगद का, उस बरगद के पेड़ में उल्टे ऐसे 2-3 लोग ऐसे लटके हुए और उनके मुंह से सब निकल रहे हैं अंदर का मसाला। अरे भाई, इसने अपनी पत्नी को बोला, लीला आंख बंद करो और भागो, भगवान का नाम लेते हुए, माता रानी का नाम लेते हुए। ये दोनों एक दूसरे का हाथ, पर लीला तो रो पड़ी थी, भागे हैं माता का नाम लेते लेते, भागे भागे भागे। अब कुछ माता का आशीर्वाद भी कहो, इनको किसी ने हार्म नहीं किया, सिर्फ दिखाई दिए, और ये लोग कुछ ही मिनटों में उस रेलवे स्टेशन को काफ़ी पीछे छोड़ दिए और बहुत आगे आ गए। अब पीछे पलटने से इनकार था, इधर उधर देखने से भी इनकार था, सिर्फ सामने देखना था। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना चाहिए भाई, अपने रास्ते में देखो और चलते बनो, चलते बनो, चलते बनो। तो ये लोग चले जा रहे थे और आगे कुछ घर दिखाई देने लगे। उन घरों में सबसे पहले एक झोपड़ी दिखाई दी। इस झोपड़ी में दोनों को देखकर एक राहत की ठंडक मिली कि थैंक गॉड, हमें इस झोपड़ी को खटखटाते, दरवाज़ा खटखटाते हमें सहायता मिल जाएगी, आज रात का सहारा हो गया, वरना उनमें से कोई भूत प्रेत आ गया, पीछे से झपट्टा मार लिया तो हम दोनों निपट लेंगे। सहायता मांगते झोपड़ी से, ये लोग तो रह रहे ना, हम भी वहाँ पर रह लेंगे। ये गए, दरवाज़ा खटखटाए, 5 मिनट तक कोई आया नहीं, 6वें मिनट कोई दरवाज़ा खोलता है, बहुत बूढ़ी औरत को देख कर थोड़ी सी फिर से डर गई अपनी लीला, फिर से डर गई कि यार ये बूढ़ी औरत, अभी मैंने उतना कुछ क्रीपी नज़ारा देखी हूँ, फिर ये इतनी झुलसी हुई, पतले शरीर की झुकी हुई, थोड़ी कई बार बेचारा ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन बूढ़े लोगों का चेहरा थोड़ा बदल जाता है ना, जब तक हम जवान रहते हैं हमारा चेहरा प्रॉपर दिख रहा होता है, फेस कट प्रॉपर दिख, जब बेचारे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी झुर्री आ जाती है, फेस कट खत्म हो जाता है, और कई बार लोग उन्हें देख कर थोड़े वैसे भी करते हैं, अरे कैसा दिख रहा है, करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसानी शरीर सबके साथ ये होता है। तो ये लीला थोड़ी देख के डर गई, अरे ये कैसी औरत है भाई। और इसके बाद ना लीला अपने पति को पीछे खींचने लगी, तो वो औरत अचानक से कहती है, अरे क्या हो गया बेटा, घबरा क्यों रही हो, क्या परेशानी है, बोलो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो पति ने बोल दिया, कमल ने बोल दिया कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, पुणे से आए हुए हैं, यहाँ पे हमारी कुल देवी है, उनके पास जा रहे हैं, तो हमारी आज रात को आप सहायता कर सकते हैं, कि आपको पता होगा सुबह यहाँ से बस निकलती है। बुढ़िया बोलती है, अरे माता रानी के मंदिर जा रहे हो, आ जाओ बच्चों, अंदर आओ, मैं मदद करूँगी।
ये दोनों ने एक दूसरे को देखे और बोले चलते हैं, क्या कर लेगी इतनी बूढ़ी औरत जवान हट्टे कट्टे पति पत्नी का। अंदर चले गए, अंदर बिस्तर में लेटा हुआ था एक आदमी, वो और भी ज़्यादा बूढ़ा दिखाई दे रहा है, धीरे 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 खांस रहा है। इनको देखता है, अपना गम छमछा ठीक करते उठता है। अरे बच्चों, आज रात में रुकने आए हो? ये बोलते हैं, हाँ आपको कैसे पता? अरे बूढ़ा हो गया हूँ, बहरा नहीं, बाहर मेरी पत्नी से बात कर रहे थे तो आवाज़ आ गई थी, आ जाओ बैठो बैठो। तो ये लोग बैठने लगे तो इतने में बूढ़ी औरत रुकती, बोली रुको रुको रुको, मैं भूल गई, मैं आई। वो अंदर गई, गर्म पानी लेकर आई, फिर इन लोगों को फिर से बाहर की तरफ ले गई और इनके पैर ना गर्म पानी से धोने लगी। तो लीला ने बोली भी कि अरे दादी जी, आप ऐसे पैर मत धो, हम आपसे बहुत ज़्यादा छोटे, आप हमारी दादी की उम्र के हो, आप ऐसा पैर में हाथ लगाओ। बोले नहीं नहीं, हमारे लिए अतिथि तो भगवान की तरह होते हैं और तुम भी भगवान जैसे हो, हम तुम्हारे पैर धो देते हैं, फिर अंदर आराम से आके खा पी लो। अब इनको अच्छा लगा, सोची कितनी अच्छी बुढ़िया है यार। बूढ़ी औरत ने पैर वैर धोई, अब ये लोग अंदर गए हैं बैठे, बूढ़ी औरत अंदर गई और गर्मा गर्म खाना ले आई 5 मिनट के अंदर। ये दोनों एक दूसरे को देख के शॉक्ड। बूढ़ी औरत बोलती, अरे अरे इतना टेंशन मत लो, मतलब मैं टेंशन मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, बुढ़िया ने अपने हिसाब से बोली अपनी लैंग्वेज में, मैं 2-4 लोगों के लिए खाना तैयार ही रखती हूँ, हमारा घर बिल्कुल गांव की शुरुआत में ही है ना, तो ऐसे आपके जैसे राहगीर मदद के लिए आ जाते हैं, हमें पता है, सबको भी पता है, सुबह सुबह मंदिर के लिए बस निकलती है और ट्रेन रात में आ जाती है, राहगीर कई बार भूले भटके हमारे घर तक पहुँच जाते हैं, कहते हैं ना कि रेलवे स्टेशन भूतिया है, इसलिए वहाँ पर कोई रुकता नहीं है, हमारे घर ही रुक जाते हैं और हम उनसे कोई मदद भी नहीं लेते। बोले नहीं नहीं, हम आपकी मदद कर देंगे आंटी जी। ऐसे खुश हो गए और बढ़िया गर्मा गर्म इन लोगों ने खाना खा लिया। फिर बुढ़िया औरत ने बढ़िया इनको एक छोटी सी दरी दी, वो दरी बिछा के सो गए। इनको बहुत अच्छा लगा कि कितने अच्छे लोग हैं यार, इतने बूढ़े हो गए फिर भी लोगों की ऐसी मदद कर रहे हैं और पैसे भी लेने से साफ इनकार कर दिए। अभी ना रात बहुत रात हो रही होगी, यही कोई 3-3:15 बजे के आसपास ऐसा फील हुआ। किसको फील हुआ? अपने कमल को, कि जहाँ पर ये लोग सो रहे हैं उसके आसपास कोई चल रहा है। जैसे ये कमल सो रहा है, ठीक है समझ लो ये कमल सो रहा है, और यहाँ पर कोई इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से इधर, ऐसा करके कोई चल रहा है। कमल घबरा गया क्योंकि अनजान जगह पे भी सो रहा है और बहुत कुछ हुआ था पिछली रात को इनके साथ। तो कमल ने जल्दी से आँख खोला तो देखा वो बुढ़िया औरत थी कमल के सर से पैर तक ऐसा चक्कर मार रही है। इसने बोला, दादी जी क्या कर रही हो आप, जाके सो क्यों नहीं रही? बोली, बेटा मैं सोती नहीं हूँ और तुझसे एक बात कहना भूल गई थी। इसने बोला, क्या और सोती क्यों नहीं हो, क्या बात है? बूढ़ी औरत बोलती है कि मंदिर जा रहा है ना बेटा, मेरे लिए भी प्रसाद लेते आना, कई साल हो गए नहीं जा पाई हूँ मंदिर, जाती थी एक ज़माने में लेकिन अब नहीं हो पाता है, तू जा रहा है तो हमारे लिए भी आशीर्वाद मांगना, बूढ़े पति पत्नी के लिए भी, और प्रसाद ज़रूर लेते आना। ये बोलता है, हाँ हाँ प्रसाद ला दूँगा, आप जाकर सो जाइए। नहीं बेटा मैं सोती नहीं हूँ, तू सो जा। इसको बड़ा अजीब लगा, किसी को कोई ऐसा बोले मैं सोती नहीं हूँ, आप किसी घर जाओ ठीक है, आप वहाँ पर सो रहे हो, जिसके घर आप गए हो वह अनजान इंसान है, अचानक से वो अनजान इंसान आपके बिस्तर के ऐसे ऐसे 4 चक्कर मारने लगे, पूरे टाइम चक्कर मार रहा, और आप बोल रहे हो कि क्यों भाई सर पे नाच क्यों रहे हो, जाके सो जाओ। सामने वाला इंसान बोले कि मैं सोता नहीं हूँ, तुम सो जाओ, तो आपको डर नहीं लगेगा? हा? कोई पहचान का इंसान है तो ठीक है, अनजान रहे हो तो कितना डर लगेगा ना। जैसे तैसे करके अब आँख बंद करके लगा हुआ है कि पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए, पत्नी को वैसे मैंने भूतिया जगह है बताया नहीं था, कुछ नहीं बोला था, ये बड़ी हिम्मत करके आँख बंद किया रहा और पता नहीं नींद लग गई इसकी। फिर सूरज की रोशनी के साथ आँखें खुली, दोनों पति पत्नी जैसे ही जागे दिमाग के पर कच्चे उड़ गए, इसकी ऐसी की तैसी मारो। बोले शिट, आस पास कोई घर ही नहीं है, ये लोग तो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, एकदम घबरा गए, ना कोई दरी है ना कुछ है, इधर उधर देखने लगे, झोपड़ी नहीं, बूढ़ा बूढ़ी नहीं, ना कोई पलंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये पेड़ के नीचे सो रहे थे, एक चबूतरा बना हुआ है उस चबूतरे के नीचे। ये जल्दी से उठे, एक दूसरे को देखे, ये क्या हो गया हमारे साथ, घर कहाँ चले गया रातों रात? और देखे कि थोड़ी आगे वो बस भी लगी हुई है, इनके बंदर निकलने वाली, मतलब
5 बजे के आसपास सूरज की रोशनी तो नहीं पड़ी होगी, अभी मैं क्या बोल लूँ सूरज की रोशनी, लेकिन ऐसा फील हुआ ना कि सुबह हो गई। देखे सामने बस लगी हुई है, इनका दिमाग ख़राब, बोले पहले बस की तरफ चलो। ये बस में जाकर पहले बैठ गए, टिकट कटा ली, अपनी सीट रिजर्व कर लिए। अभी एक दूसरे को देख रहे हैं इतनी भरी ठंड में भी पसीना पसीना। ये हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या कुछ घंटे पहले, अभी तक ठीक तरीके से उजाला भी नहीं आया है, हुआ क्या? उस घर की तरफ ही नज़र डाल रहे, लेकिन वहाँ पे कोई घर ही नहीं है, वहाँ पे एक पेड़ है। इसे घबराए हुए, अब इनकी सीट ट्रिपल वाली सीट वाली थी बस, हाँ इनके बाजू में ही आके जैसे खिड़की की तरफ अपनी औरत बैठी हुई है, लीला बैठी हुई है, बीच में कमल, एक आदमी कमल के बाजू में आके बैठा मतलब। तो आदमी से कमल ने पूछ ही लिया, भाई साहब आप यहीं रहते हैं नीमगंज में? आदमी बोलता है हाँ यहीं पर जन्म हमारा यहीं पर हुआ था, इनफैक्ट हमारे पिताजी का भी जन्म यहीं पर हुआ था। तो ये बोलता है कमल, तो भाई साहब आपको पता होगा ना उस पेड़ के पास किसी का घर था क्या कभी? कोई आदमी औरत रहते थे क्या? ये बोलता है हाँ एक बूढ़ा बूढ़ी रहा करते थे, बहुत साल पहले की बात है, वो आने जाने वाले राहगीरों की मदद करते थे, उनका घर भी था यहाँ पे, किसी को किसी भी चीज़ की सहायता की ज़रूरत होती थी उसको वो प्रोवाइड कराते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे, लोगों को खाना भी खिलाते थे। जो भी भक्तगण रात के समय ट्रेन से आए हैं फिर उनको निकलना है सुबह बस के लिए, तो अपने घर पे भी रुकवा लेते थे, एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं लिए। जब तक मैंने उनको देखा तब तक लोगों की सहायता की है, और मेरे पिताजी बताते हैं कि वो लोग बहुत पहले से ये सब कुछ कर रहे थे। फिर अभी से कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हुई तो ज़मीन अमीन के बारे में अपने को पता नहीं ज़्यादा, वो पूरा घर वर हटा दिया गया, और फिर ये पेड़ उनके घर से ही लगा हुआ था, ये पेड़ अभी भी वहाँ पर है। बोले आप क्यों पूछ रहे हो? वनजान आदमी कमल से पूछता है आप क्यों पूछ रहे हो? तो कमल पिछली रात का पूरा बताता है इस आदमी को, बोलता है भाई साहब आप बड़े किस्मत वाले हो यार, आपको लिटरली उन बूढ़े बूढ़ी की भूत दिखाई दिए जिन्होंने आपकी सहायता की, प्रेत आत्माओं से आपकी मदद की है। बहुत किस्मत वाले लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई भूत प्रेत उनको पैसे दे या फिर अपने हाथ का कुछ खिला दे। सचमुच में अगर किसी भूत प्रेत ने आपको अपने हाथ का दिया हुआ कुछ खिला दिया, आपने खा लिए, आपकी किस्मत सवर जाएगी। पैसा कभी दे दिया कोई भूत के हाथ से, कोई प्रेतात्मा के हाथ से आपको पैसा मिला ना, वो पैसा आपको कब अरबपति बना देगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, बहुत कुछ जीवन में मिल जाएगा। ऐसे ही किसी को भी ये सब कुछ नहीं मिल जाता, इनको मिला, इनके भाग्य खुल गए। तो घबराहट के मारे अब डरे कि खुश हो इनको मालूम नहीं, बस स्टार्ट हुई, मंदिर पहुँचे और वो आदमी ने बोला कि कमल जी को कि कमल जी आप माता रानी के सामने प्रार्थना कर देना, हाथ जोड़ लेना, और उनने बोले थे ना प्रसाद, तो प्रसाद आप लेकर उसी पेड़ के पास रख देना। ये मंदिर गए हैं, माता रानी का धन्यवाद किए हैं, प्रसाद लिए, और लिटरली लौटते टाइम उस पेड़ के नीचे वो बूढ़े बूढ़ी का नाम का प्रसाद छोड़े और ऐसा हाथ जोड़ के बोले हैं आपका धन्यवाद, हमने आपने हमको किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और हम माता रानी से आपके लिए प्रार्थना करके आए हैं कि आपकी आत्माओं को शांति मिले, और ये आपका प्रसाद जैसा आपने कहे थे इसे ग्रहण करिए। ऐसा बोल के वो पेड़ के नीचे प्रसाद छोड़े हैं और फिर पुणे पहुँचे ना, जिस रात वो पुणे पहुँचे उसी रात को दोनों को सपना आया, वही बूढ़ा बूढ़ी दिखाई दिए, और बस खुश होके बोल रहे हैं कि तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद हमको मिल गया बेटा, हमेशा खुश रहो। ऐसा दोनों को सेम सपना दिखाई दिया, बस जितनी देर मैंने ये बात बोला ना, तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद हमको मिल गया बेटा हमेशा खुश रहो, इतना ही सपना दिखाई दिया इतनी ही देर का। दोनों भैया अगले दिन जब उठे हैं ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा ये। एक तरफ कुछ भूत कुछ प्रेत आत्माओं ने इनको मारने की कोशिश की जो कि रेलवे स्टेशन के थे, और दूसरी तरफ कुछ आत्माओं ने, कुछ पुण्य आत्माओं ने इनकी रक्षा की। अलग ही था ना, मैंने सोचा ये कहानी तो आपके सामने लाने में बनती है भाई, ये पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि जो लीला जी और कमल जी है ना, उनके पोते राकेश जी के फ्रेंड प्रसाद जी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे। मैंने सोचा सुनाता हूँ यार, मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को सुनकर आपको भी उतना ही मजा आया होगा। अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।